सिद्धार्थनगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क काफी तेज हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सुरेश पांडे नगर पंचायत चेयरमैन प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें नगर पंचायत बिस्कोहर की जनता का काफी समर्थन मिल रहा है, जिससे अन्य प्रत्याशियों से अधिक आगे दिखाई देते नजर आ रहे हैं। वहीं चेयरमैन प्रत्याशी सुरेश पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो पहला काम अच्छा अस्पताल, शिक्षा, बेरोजगारी, नौकरी व गरीबों के हक के लिए आवाज उठाऊंगा। विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि नगर पंचायत बिस्कोहर में सरकारी धन का बंदरबाट बड़े पैमाने पर हुआ है। आवास देने में गरीबों से पैसे लिए गए। यहाँ छुट्टा पशुओं का आतंक है। मैं चुनाव जीतने के बाद विकास की गंगा बहा दूंगा। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीछे हो जाओ पहले बेटा, चल पीछे लड़के, जा पीछे जा रहा हूं। अब आप लोग बोलेंगे नहीं, एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा भाई, कोई नहीं, साइलेंट। आप चुनाव लड़ रहे हैं सपा से, नगर नगर भ्रमण कर रहे हैं पूरे नगर में, आप नगर पंचायत दरवाजे पे आपका डोर टू डोर चल रहा है, ऐसे में आपको जनता के बीच जाकर के उनको क्या पता मिला आपको? जनता का प्रेम हमको मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, और हमने समाज के लिए बहुत संघर्ष किया है, सेवा किया है जनता का, काफ़ी दिनों से जनता का सेवा करते चले आए हैं। और हमारे यहाँ नगर पंचायत नौसिजी नगर पंचायत हुआ, इसके तमाम हमारे यहाँ समस्याएं हैं, सड़क की समस्या, नाली की समस्या, और आज जो सबसे बड़ी समस्या है गौशाला वाली समस्या। रात रात भर किसान जग रहे हैं, इतना इतना गौशाला का पैसा आ रहा है फिर भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रहा है। तो जनता आपको चुन के अगर चेयरमैन बनाती है तो ऐसे क्या पांच काम है जो यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आप पहले करेंगे? सबसे पहला काम सड़क का, दूसरा नाली का, और एक तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ जल निकासी का, कि जो बरसात में यहाँ से पानी निकलने का कोई रास्ते नहीं, और गौशाला का समस्या, जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं, लोगों का खेत तहस नहस कर दे रहे हैं, और शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था। 2020 में ये नगर पंचायत बना, तीन साल लगभग हो गया यहाँ प्रशासनिक तरीके से काम होता रहा, तो यहाँ पे क्या कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके लिए होना चाहिए? कुछ काम नहीं हुआ, जो सरकारी पैसा आया उसका बंदरबाट हुआ, उसको गलत तरीके से, उसमें बिना मानक के सारा पैसा निकाला गया। किसी भी सड़क पे आप मानक पूर्ण काम नहीं पाए, और जो आवास छूटा उसमें भी भारी घोटाला हुआ, जो गरीब पात्र थे वो वैसे ताकते रह गए,